अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं शिबा इनू को लेकर एक अहम न्यूज़ और साथ ज़िल कॉइन को लेकर एक अहम प्राइस प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, शिबा इनू को लेकर पास्ट में मैंने आपसे जितनी भी वीडियोज़ शेयर की उनमें से एक प्रेडिक्शन हमेशा कामयाब रही और वो थी मार्केट में शिबा इनू को लेकर वेल्स का इन्वॉल्व होना। देन अदरवाइज चाहे रॉबिन हुड एक्सचेंज पे इसका लिस्ट होना हो या बर्निंग का सिलसिला हो, वो तो कभी भी शिबा इनू के प्राइस में इतना ज़्यादा इफेक्ट लेकर नहीं आ सका। लेकिन अब एक मरतबा फिर से वेल्स ने ख़रीदारी शुरू कर दी है शिबा इनू क्वाइंस की, और इसके अंदर कितना बूस्ट आ सकता है और कब आपकी एंट्री होनी चाहिए इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ आपको आगाही देंगे कि रिसेंटली मार्केट के साथ क्रैश करने वाला सबसे ज़बरदस्त और आने वाले फ्यूचर का सबसे अहम क्वाइन ज़िल क्वाइन, उसने भी एक मरतबा फिर से पंपिंग स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, ज़िल क्वाइन हम आपको हर मार्केट में रिकमेंड भी करते हैं, और अब उसकी क्या प्राइस प्रेडिक्शन होगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं जल्दी से पहले शिबा इनू क्वाइन की प्राइस एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिबा इनू क्वाइंस के बारे में। क्या आपने देखा होगा कि पिछले 7 महीने से जब भी मार्केट में शिबा इनू क्रैश होने के बिल्कुल लास्ट एच पे आ जाता है तो इसमें वेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और दोस्तों वेल्स इन्वॉल्व भी हमेशा उसी टोकन में होते हैं जिसमें चार्म ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ है हमारे पास कि वाई शिबा इनू वेल्स आर कंटिन्यूसली बाइंग मोर टोकन्स। तो दोस्तों, ये बार बार मोर टोकन क्यों खरीदते हैं इसके ऊपर मैं तफसीलन आपको पूरी इस खबर का जो है हमें जो है एक कंक्लूजन आपको बताने वाला हूं कि जब भी शिबा इनू के प्राइस 4020 के पास गए हैं तो इसको पुशअप देने के लिए हमेशा 4030 तक मार्केट में शिबा इनू को वापस ला करके खड़ा किया गया। शिबा इनू में दोस्तों मेरी जाती ये राय है कि इतनी अभी फ़िलहाल सख्त ही नहीं है, ख़ास करके इसके ओनर के पास शायद इतना दिल ही नहीं है कि वो इसमें अभी पंप देकर आपके और अपने इन्वेस्टर्स को कोई फ़ायदा दे सके। लिहाजा आपने क्या करना है, ये है दोस्तों शिबा इनू की इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने का वक्त कि जब भी वेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो इसको कम से कम 4028 तक तो ज़रूर लेके जाते हैं, ठीक है। और जब भी इसका पंप आया, अभी रॉबिन हुड वाला भी जब पंप आया तब भी इसने मैक्सिमम 4030 का हाई लगाया। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्लोली मार्केट क्रैश के साथ हमेशा गिरते गिरते 4020 तक आता है, और उसके बाद इसका मैक्सिमम पंप 4028 का रहता है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस मौके पे शिबा इनू में वेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं और बल्कि हैवी अमाउंट में इसके टोकन्स बाय किए जा रहे हैं, यानी कि मैं आपको बताता हूं कि द स्मॉल डंप इज इन वैल्यू हैव बीन क्रूशियल पॉइंट फॉर इथेरियम वेल्स टू फिल देयर पॉकेट विद द शिबा इनू टोकन्स एज वन ऑफ द वेल्स ब्लू वेल्स 0073 परचेस्ड ओवर 300 बिलियन शिप टोकन वर्थ 6.15 मिलियन। तो दोस्तों, अगर 6.15 मिलियन का टोकन, डॉलर का टोकन खरीद लिया गया है तो इसमें आप भी डुबकी मार सकते हैं। कहाँ पर बाय करके शिबा इनू को 4020 पे सिर्फ 50 या $100 से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा दोस्तों मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी। जितना हम शिबा इनू को समझे हैं, अब पहले ये हमसे अर्न करते रहे, अब हम इनसे अर्न करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वेल्स इन्वॉल्व होंगी, आपको इस सोच में डालेंगी जी कि हम आपको इस दफ़ा 4050 पर लेके जाएंगे, तो आपने ये सोच नहीं अपनानी। आप यहाँ पर ये सोच अपनाएं कि 4018 या 4020 का जो पंप होगा मैक्सिमम वो 4026-4028 तक का होगा, और वेल्स के इन्वॉल्व होने का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट पंप करेगी $2000-3000 माल लें के मार्केट चली जाती है बिलफर्ज इस वक्त, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल वो 39,000 और 38,000 के दरमियान मार्केट चल रही है। कल को मार्केट चली जाती है 42 पे 43 पे, शिबा इनू आपको ऑलरेडी वेल्स के इन्वॉल्व होने की वजह से ले जाएगा 4028 पे। लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश करेगी उससे पहले पहले आपने अपने टोकन सेल कर देने हैं, और आपका जो सेलिंग पॉइंट होगा, मैं समझता हूं कि चलें यहां पर आपकी अपनी राय भी मैं जो है खातिर खवा करके उसमें बीच में ले आता हूं। मान लें कि आपके पास $100 के भी अगर शिबा इनू होंगे जिनकी बाइंग 4018 होगी या 4020 होगी, तो आप उसमें से आधे सेल कर दीजिएगा 4028 पे, और अगर आपको लगता है कि हर खबर बार बार इसको 4075 पे लेके आने के लिए मार्केट में आती है, तो मैं समझता हूँ ये आपकी फ़िलहाल बेवकूफ़ी होगी। थोड़ा सा
अगर आप एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो इस न्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 7 माह में हमने जब जब भी आपसे वेल्स की इन्वॉल्वमेंट शेयर की, ये खबर ज़रूर आपको माइनर सा प्रॉफिट ज़रूर देकर गई। लेकिन रही बात रॉबिनहुड की या इसकी बर्निंग की, वो खबरें किसी काम की नहीं है दोस्तों। तो मौजूदा मार्केट में आप इसे 4018 पे बाय करके एक स्मॉल पैकेज ऑफ अर्निंग गेन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं ज़िलकॉइन की तरफ दोस्तों। ज़िलकॉइन दोस्तों अपना ऑल टाइम का लो लगाकर दोबारा वापसी के सफर की तरफ गामजन है। और आपको याद होगा कि ईद से 2 दिन पहले मैंने आपको एक सेपरेटली टॉप 10 कॉइन्स की एक वीडियो रिकमेंड की थी, जिसमें ज़िलकॉइन को मैंने आपको उसके पुराने रेट पे बाय करने की रिकमेंडेशन की थी। और उसके प्राइस के अकॉर्डिंग जो ज़िल की प्राइस मैंने आपसे शेयर किए थे वो थे 0680। आज आपको ज़िल देखने को मिल रहा है सिर्फ तीसरे दिन, बल्कि अभी तीसरा दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ, 0757 पे। तो दोस्तों अगर आपकी ज़िलकॉइन में $100 की इन्वेस्टमेंट थी तो आपने आज ईद के सेकंड डे में ही $100 के साथ सिर्फ $8 से $9 अर्न कर लिए हैं। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा थी तो ये आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो भी ज़्यादा होगा। अब ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों, तो ज़िल का ऑल टाइम हाई तो खैर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने लास्ट वीक में जो क्रैश दिखाया है हमें 09 से लेकर अब तक, वो लो रहा है 0670 का। अब ज़िल ने दोस्तों रिकवर करना शुरू कर दिया है, और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे ज़िल के इन्वेस्टर हैं, पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि इसका ऑल टाइम सपोर्टिंग लेवल है 10 सेंट 10 सेंट। और ये वो कॉइन नहीं दोस्तों जो मार्केट में गिरने के साथ गिरे और उठने के साथ उठ ना पाए, ये तेज़ी से अपने आप में रिकवरी कर रहा है। अब आपके सामने मैंने इसका लो और हाई ओपन कर लिया, 0669 इसका लो है पिछले 18 घंटों का और हाई है 0758। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि ये अपने अंदर तेज़ी से रिकवरी कर रहा है। अगर आपकी अभी तक इन्वेस्टमेंट इसमें मौजूद है और आप प्रॉफिट में हैं तो आप इसमें से एग्जिट लेकर दोबारा इसके क्रैश पे इसको बाइंग कर सकते हैं। और वो हमारे दोस्त जिनकी बाइंग इसकी ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम बेस्ट सपोर्टिंग लेवल पे है, यानी कि 10 सेंट पे, उनके लिए भी ये बेहतरीन खुशखबरी है कि ज़िल में इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा यानी कि 7th नंबर पे इसके अंदर कैपिटलाइजेशन यानी कि सरमायाकारी भर रही है। और रही बात दोस्तों इसके ट्विटर अकाउंट की, तो ट्विटर अकाउंट पे भी इसकी इस वक्त तेज़ी से एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि ये सुपर्ब वन कॉइन है, और इसमें आपको मैं इसकी कुछ न्यूज़ भी हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं कि गेमिंग से जुड़ी जितनी भी इसकी प्रोजेक्ट है वो सारे इस वक्त वर्क कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। और गेमिंग अलायंस को लेकर के दोस्तों इसके मेंबर्स में दिन ब दिन तादाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और रही बात इसकी आगे की प्रेडिक्शन की कि ये $1 का हो सकता है या $2 का, उसको लेकर मेरी आप पास्ट की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ज़िल में अब एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या ये एक बेस्ट टाइम होगा। तो दोस्तों अभी भी ज़िल डायरेक्ट 10 सेंट पे नहीं जाने वाला, ये फिर से एक मरतबा स्लोली क्रैश करेगा। 0680 पे आप इसे या 0690 पे फिर से बाय कर सकते हैं। और मार्केट के अकॉर्डिंग ज़िल में कमाई करने का इस वक्त बेहतरीन मौका आपके पास मौजूद है। और अगर आप ओल्ड होल्डर हैं तो सिर्फ आप इसे होल्ड रखें, इसे बेचना आज की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।